हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। यू आर गोइंग टू लर्न मॉडल्स विद जुल्फकार सर। मॉडल्स क्या है, किस तरह यूज होते हैं और इनको मॉडल्स क्यों कहते हैं। ये एक वर्ब ही हैं, लेकिन कैसे वर्ब हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं ये। अब आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब तो इज आ रहे हैं, वाज वर्ब भी यूज होते हैं। यस, यू आर राइट, बट आई विल क्लियर द डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स एंड द अदर हेल्पिंग वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स हैं क्या क्या। मॉडल्स में कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है, शैल आता है, विल आता है, शुड आता है, ओट टू आता है, हैव टू आता है और मस्ट आता है। इसमें दो और मॉडल्स हैं, डेयर और नीड। वो मैंने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में शामिल नहीं किए। वो उनमें एक स्पेशलिटीज़ है जो कि अगले लेक्चर में, उसका लेक्चर पूरा होगा डेयर और नीड का। अब हम इस 13 टोटल 13 मॉडल हैं, इसमें हम 11 की बात करेंगे आज। और मैंने सामने एक एक सेंटेंस लिखा हर एक का, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे यूज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, मे जो है, मे की बात कर रहे हैं, मे कम इन सर, या मे हेल्प यू। ये मे जब भी यूज होता है ना, इजाज़त के मानों में आता है। इजाज़त मांगनी हो कि मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, या किसी को दुआ देनी हो, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह ताला आपकी उम्र बड़ी करे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, मे गॉड हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, ये इजाज़त के मानों में आता है, परमिशन के मानों में आता है। तो मॉडल्स जो है यही काम करते हैं, परमिशन के मीनिंग में भी आते हैं, एबिलिटी के मीनिंग में भी आते हैं, या स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन हो उसके मीनिंग में भी आते हैं, या एडवाइस हो, को नसीहत करनी हो उसमें भी आते हैं। कैसे यूज होते हैं, मैंने आपको पहले कहा, देखें इधर, मे आई कम इन, यहाँ मैंने मे का यूज किया है, ये मैंने परमिशन के मीनिंग में लिया है, परमिशन इजाजत, अंदर आने की इजाजत है मुझे। फिर मैंने लिखा है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, ये भी यहाँ मे यूज किया मैंने, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, देखें, कैन आई हेल्प यू, अगर मैं ऐसे कहता हूँ तो इसमें क्या खराबी है। ये सेंटेंस सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि कैन जो होता है ये एबिलिटी के लिए यूज होता है, कोई पावर, आपने काम करने की पावर है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है आपने काम करने की। यहाँ तो आप काम नहीं कर रहे, यहाँ तो आप इजाजत मांग रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसको आप पॉजिटिव यूज कर सकते हैं कि आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मेरे में एबिलिटी है, मेरे में इतनी पावर है कि मैं आपका काम कर सकता हूँ। लेकिन इजाजत के मनों में नहीं आप लगा सकते। अगर आप लिखेंगे कैन आई हेल्प यू तो गलत होगा, अगर आप लिखेंगे आई कैन हेल्प यू ये सही होगा। इज इट क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ लिखा मैंने आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैं ये पत्थर उठा सकता हूँ, क्योंकि ये एबिलिटी है ना, पावर है, काम करने की ताकत है, शक्ति है, आप कर सकते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस, यहाँ मैंने कैन का यूज किया है, आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन। अगर इसी चीज को मैंने पास्ट में कहना हो, फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर पड़ा हुआ, उसको कुछ लोग उठा रहे हैं, एक ने उठाया उससे नहीं उठाया गया, दूसरे ने उठाया उससे नहीं उठाया गया, अब तीसरा आदमी आता है, वो कहता है मैं इसको उठा सकता हूँ, तो यही तो मैंने लिखा है आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैं इस पत्थर को उठा सकता हूँ। फिर दूसरा सेंटेंस वो है कि जो पहले नहीं उठा सके, पास्ट में चला गया ना, कैन का कुड, ही कुड नॉट लिफ्ट दिस स्टोन, वो ये पत्थर नहीं उठा सका, पास्ट में चला गया, पास्ट डेफिनेट में चला गया ना, कैन को सेकंड फॉर्म लगा दी मैंने। अब यहाँ कुड यूज किया मैंने, अब देखें कैन का यूज कैसे हुआ है, कुड का यूज कैसे हुआ, कैन का प्रेजेंट में है, कुड का पास्ट में है। इसी तरह देखें मस्ट गो। अच्छा, ये जो मस्ट गो, ये तीन सेंटेंस ना, मस्ट वाले, ओट वाले, हैव वाले और शुड वाले, यहाँ ये वाला, ये चारों के चारों ना एक स्ट्रेस देते हैं किसी बात पे, एक एडवाइस होती है, एक जोर लगाते हैं, चाहिए के मीनिंग में आते हैं ये, कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ बातें जो हैं वो एक लॉज के अंडर आती हैं। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर हो रहा है, आप उसको बैठे सुन रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी लॉज के मुताबिक आप वहाँ क्लास में शोर नहीं कर सकते, यू हैव टू बी क्वाइट इन दी क्लास रूम। तो यही लिखा मैंने, देखें, यू हैव टू बी क्वाइट ड्यूरिंग द लेक्चर एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो रहा है तो आपको वहाँ रुकना चाहिए, वहाँ शोर नहीं करना चाहिए। इस तरह का जब इस तरह की आती है ना रूल्स रेगुलेशन की बात आती है, तो हम यूज करते हैं हैव टू। देखिए यहाँ यूज किया मैंने हैव टू, तो हैव टू कब यूज करते हैं, जब रूल्स रेगुलेशन की बात आ रही है। आप स्कूल के बाहर लिखा हुआ हॉर्न ना बजाएं, वो स्कूल वालों का रूल है, स्कूल के अंदर लिखा हुआ, मस्जिद के अंदर लिखा हुआ मोबाइल मना है, तो जब भी ऐसी सूरत हाल होगी जहाँ रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, वहाँ हम यूज करेंगे हैव टू। तो क्या सेंटेंस है, यू हैव टू बी क्वाइट ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान आपको चुप रहना चाहिए, आपको बोलना नहीं चाहिए। फिर देखें ओ टू हम बात करते हैं जब ऑन दी होल बात करनी हो ना, यहाँ इसमें कोई जो ना ड्यूटी नहीं होती। आप ऐसे कहते हैं
कि आप शोर ना करें, या आप कहते हैं किसी गरीबों की मदद करने आपको मदद करनी चाहिए, यू ओट टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये आप पे फर्ज नहीं है, आपको एक तरगीब दिलाई गई है, मोटिवेशनल एक दिया गया है, एडवाइस दी गई है कि आप इसको जो है ना गरीबों की मदद करनी चाहिए। और देखिए इसमें मस्त जो है ना, मस्त ये जरूर के मानों में आता है, आपको जरूर जाना चाहिए वहां, किसी जगह आपके भाई के साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई खुशी गमी है, कोई शादी ब्याह पे जाना है, तो आप उसे कहते हैं आपको जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए, यानी कि आपका रिश्ता ऐसा है आपको जरूर जाना चाहिए, तो वहां हम यूज करते हैं मस्त। तो मस्त, ऑट, हैव, टू, और साथ एक ये है शुड, यू शुड नॉट वियर ऑर्नामेंट ओपनली। जो हालात जा रहे हैं कि हम अगर जेवरात पहन के बाहर जाएंगे तो खतरा है उसको कोई लूट लेगा, कोई डाकू आ जाएगा, कोई चोर आ जाएगा, कोई स्ट्रीट क्राइम, कोई स्ट्रीट रॉबर आ जाएगा, तो यहाँ मना करता है यू शुड नॉट वियर ऑर्नामेंट्स, आपको जेवरात पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए, ओपनली खुले आम आपको जेवरात नहीं पहनने चाहिए, यहाँ भी रोका गया है। अब यहाँ देखें, शुड, हैव टू, और टू, मस्ट टू, ये तीनों जो है ना, तीनों एक तरगीब दिलाई गई है, लेकिन तरीका अपना अपना है, कहीं जोर देकर, कहीं उसको एक रूल्स रेगुलेशन के तहत, कहीं उसको एक अखलाकी और समाजी अच्छाई के तौर पे पेश किया गया है, तो यहाँ हम यूज करते हैं मस्ट, और टू, हैव टू, और शुड। अब माइट कहाँ यूज होता है, माइट, अच्छा आपने एक सेंटेंस सुना होगा डायरेक्ट में, टीचर, स्टूडेंट कहता है टीचर से, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा, नॉट टू कॉमर्स बिगन, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये मैंने डायरेक्ट सेंटेंस बोला है। इसका इनडायरेक्ट करेंगे आप, वो मैंने किया इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड द टीचर, उसने टीचर से पूछा, सर लगाया था ना तो आपको रिस्पेक्टफुली लगाना पड़ेगा, ही आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, उसने टीचर से बड़े अदब से कहा, इफ ही माइट कम इन, क्या वो अंदर आ सकता है, तो यहां देखिए मैंने माइट यूज किया है, माइट कब यूज किया, मैंने मे को माइट में कन्वर्ट किया है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, मे को माइट में कन्वर्ट करते हैं, कैन को कुड में करते हैं, विल को वुड में करते हैं, शैल को शुड में करते हैं, ये जो मैंने लिखे हैं ना 11, 12, 13 के करीब ये जो मॉडल्स हैं, ये रिपीट होंगे, कब रिपीट होंगे, जब हेल्पिंग वर्ब का चैप्टर दोबारा पढ़ा जाएगा, इनको मैंने फिर पढ़ाना है आपको, रिपीट होंगे आगे कहीं जाके, उसमें ये इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे। अब देखें माइट में कब लगाया उसको, जब मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया उसको, तो ये माइट लग गया। और देखते हैं अब नीचे देखें, ही सेड दैट ही वुड रीच ऑफिस एट टाइम, अच्छा देखिए वुड जो है ना ये विल की सेकंड फॉर्म है, विल तो लगता है फ्यूचर में, तो वुड कैसे लग सकता है प्रेजेंट में, जब भी हमने बात करनी हो प्रेजेंट में करनी हो, पास्ट में करनी हो, लेकिन फ्यूचर की बात करनी हो, ठीक है ना, फिर हम लगाते हैं वुड। देखिए एक मैं सिंपली कहता हूँ कि कल मैं लाहौर जाऊँगा, तो ये तो भी गया ही नहीं मैं, कल की बात हो रही है, ठीक है ना। एक मैं अभी आप मुझसे कोई पूछता है, मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ आपके अब्बू कहाँ हैं, वो कहता है सर घर पर होंगे, घर पर होंगे, ये फ्यूचर बोला उसने, लेकिन है फ्यूचर नहीं है ये, ठीक है। इसी तरह और बहुत से हम काम करते हैं, जैसे ये देखें लिखा मैंने, ही सेड, उसने कहा कि मैं दफ्तर टाइम पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि आज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही। देखें ही सेड दैट ही वुड रीच ऑफिस एट 10 AM, उसने कहा कि वो दफ्तर 10 बजे पहुंच जाएगा, तो यहाँ भी फ्यूचर की बात हो रही, जब भी फ्यूचर की जब प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, तो हम लगाते हैं वुड, जब फ्यूचर की बात हो वो हम लगाते हैं विल। इज इट क्लियर। अब देखें शैल और विल का क्या काम है, शैल विल मैंने इसलिए नहीं लिखे को बहुत ईजी है, आपको पता है फ्यूचर में यूज होते हैं। देखो ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, आई शैल गो टू स्कूल। अब देखें यहां गो वर्ब है, पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ विल लगता है तो लगा हुआ है, शैल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, आई शैल गो मैं जाऊंगा, यू विल गो मैं जाऊंगा, आई विल के साथ शैल लगता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है उसमें शैल खत्म हो गया है, विल ही लगता है, आई वी यू दे ही शी इट वह जमा प्लुरल सिंगुलर कुछ भी हो सबके साथ ही विल लगता है। लेकिन ये भी रिपीट होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको जब टेंसेस करेंगे हम लोग, अब ये टेंसेस नहीं कर रहे हम लोग, हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं, उसकी फिजिकल पोजिशन देख रहे हैं। तो आपने देखा विल कैसे यूज होता है, शैल कैसे यूज होता है। अब आप कहेंगे कि ये तो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो और भी बहुत सारे हैं, इनमें क्या ऐसी जो है ना बात है कि इसको मॉडल्स का नाम दिया गया। मॉडल्स इसलिए कहा गया है, इसके तीन वजह से कहा गया बेटे इसको। एक तो ये है,
ये कभी सिंगल यूज नहीं हो सकते, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पक्का। यानी मॉडल्स के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिल पे लिख लें इसको। कभी मॉडल्स के साथ वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म इंग वाली फॉर्म नहीं आएगी, जबकि बाकी मॉडल के साथ आती है। देखें बाकी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, जैसा इज, ही इज प्लेइंग, प्लेइंग आ गया ना इनके साथ। देखें ही इज प्लेइंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ इंग वाली फॉर्म आ गई ना, लेकिन इनके साथ नहीं आएगी, इनके साथ फर्स्ट ही रहेगी। फिर देखें ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, यहां देखिए ये भी हेल्पिंग है, दोनों हेल्पिंग है ना, हेल्प यहां हैज है, हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, वो जा चुका है। तो यहां भी देखें थर्ड फॉर्म है, यहां इंग वाली फॉर्म है, इसको फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं। इंग वाली फॉर्म के साथ भी हेल्पिंग वर्ब लग गया है और थर्ड फॉर्म के साथ भी हेल्पिंग वर्ब लग गया है, लेकिन ये मॉडल ऐसे नहीं है। मॉडल जो है जब भी अपने साथ लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई एस वाली फॉर्म, कोई इंग वाली फॉर्म नहीं लेंगे वो, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि इन मॉडल्स का कभी थर्ड और इंग वाली फॉर्म और एस वाली फॉर्म नहीं बनती। देखो ना, गो की गोज बन गई और गोइंग भी बन गई। क्या आपने कभी कैन की कैन या कैनिंग देखा है? नहीं देखेंगे ना आप। इस तरह आपने कभी कुड की कुडिंग या कुड्स देखा है? कभी नहीं देखेंगे आप। इन सारे मॉडल्स की इंग वाली फॉर्म और एस वाली फॉर्म नहीं बनती। इज इट क्लियर? तो आप देखा कि इस ये एक तो ये सिंगल यूज होते हैं, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और दूसरी बात ये कि ये कभी भी जो है ना अपने इनकी एस वाली फॉर्म और इंग वाली फॉर्म नहीं बनती। तीसरी बात ये होती है कि आपने देखा कि ये मॉडल जो है ना, जो पिछले आपने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, इज आ रहा है, वाज वाज, ये अकेले में भी यूज हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं वो। जैसे ही इज प्लेइंग मैंने लिखा ना, भैया मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। यहाँ देखिए इसने मेन वर्ब का काम किया, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं, लेकिन ये मॉडल ऐसा नहीं करते। मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते ही लेते हैं, कभी हो नहीं सकता अकेले में मॉडल यूज हो जाए। देखो ना, कैन लगाया, मे लगाया तो साथ कम आया, कैन लगाया तो साथ लिफ्ट आया, फर्स्ट फॉर्म आई ना, कोई ऐसा मॉडल नहीं जो वर्ब के बगैर आएगा। कुड लगाया तो साथ लिफ्ट लगाया, मस्ट लगाया तो साथ गो लगा, ऑट टू लगाया साथ हेल्प लगा, हैव टू लगाया साथ हैव टू लगाया साथ बी लगा, ये बी वर्ब है ना, बी वाज बीन ना, बी फॉर्म है ना वर्ब की। इधर देखें, माइक लगाया साथ कम लगा, शुड लगाया साथ वियर लगा, और वुड लगाया साथ रीच लगा। तो यहाँ यहाँ फिर विल लगाया, आई विल गो टू स्कूल, विल लगाया साथ गो लगा, वी शैल गो टू स्कूल, वी के साथ शैल लगाया साथ वर्ब लगा। तो कभी हो नहीं सकता कि ये जो है अकेले में यूज हो जाए। ये मॉडल तीन बातें बताई मैंने आपको, एक तो इनकी एस वाली और इंग वाली फॉर्म नहीं बनती, दूसरा ये अपने साथ वर्ब की हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और तीसरी बात मैंने ये बताई है कि इनकी कभी फॉर्म नहीं बनती, एस वाली फॉर्म भी नहीं बनती, इंग वाली फॉर्म भी नहीं बनती, और ये अकेले में यूज नहीं होते। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इनके जो है दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो अपने साथ इंग वाली फॉर्म भी लेते हैं, थर्ड फॉर्म भी लेते हैं, और इसके साथ साथ उनकी एस वाली फॉर्म भी बनती है, इंग वाली फॉर्म भी बनती है। तो अब जरा देखें इनमें एक और डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस ये होते हैं कि इसमें दो और मैंने ना हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स वो आपके लिए वो तो यूज नहीं किया मैंने, एक उनमें नीड है, एक उनमें डेयर है, ये दो मैंने छोड़े हैं। दो इसलिए छोड़े हैं कि इनका दो का एक अपना रोल है, उसको अलग से आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।